कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और आज का दिन अपने लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है, वो हमें अपना शोरूम, अपना स्टोर 800 मिलियन डॉलर्स का बेच रहा था, लेकिन अपने पास इतना पैसा था नहीं और उसने हमें पेमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था। तो वो भाई अपना बस की नहीं थी उस शोरूम को खरीदना, क्योंकि भाई 800 मिलियन डॉलर्स बहुत ज्यादा ही होते हैं। लेकिन उसने कल हमें भाई बुलाया अपने पास एक और डील करने के लिए, और उस डील में उसने हमें पता है क्या कहा कि ये जो शोरूम है मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 400 मिलियन डॉलर में दे दूंगा, बाकी 400 मिलियन डॉलर्स तो मेरे को बाद में दे देना। लेकिन वो भी 400 मिलियन डॉलर्स हमें कहां से लाने थे, एक बंदे से चोरी करके जो कि उसका खुद का कॉम्पिटिटर था। मींस आपको पता होगा लिबर्टी वाला फ्रेंड भी बहुत बड़ा शायद से किसी डीलरशिप का ओनर है, तो उसने हमें बस गाड़ियां चुराने के लिए भेजा था कायो पेरिको आइलैंड पे, जहां से हमने गाड़ियां चुराई और थोड़ा बहुत पैसा चुराया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, वो 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। गोल्ड भी था, पैसा भी था, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं फिलहाल। अभी ना जो पैसा और गोल्ड है वो सारा मैंने एक सूटकेस में और एक बैग में पैक करके ऊपर रख दिया है और मैं फुल एकदम रेडी हो चुका हूँ। जल्दी से वो बैकपैक अपना उठाते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा उसके घर पे। आप लोग को पता होगा वो डायमंड कैसीनो रुका हुआ है, लेकिन भाई साहब ने एक दिन के लिए घर भी ले लिया है, शायद से वो कल वापस लिबर्टी जाने वाला है। तो आज भाई अपना जो शोरूम है, मतलब अब तो अपना कह सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा था बस तुम मेरे लिए इतना काम कर दो, शोरूम में तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद जो बाकी 400 मिलियन डॉलर्स हैं वो तुम मुझे बाद में देते रहना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जल्दी से ये पड़ा अपना ब्रीफ केस और ये पड़ा बैग, फटाफट से गाइस इसको उठाते हैं और निकलते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ये ब्रीफ केस और ये बैग अपने साथ ले लिया है, जिसके अंदर सारा का सारा गोल्ड और कैश भरा हुआ है। तो अभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड के घर पर और ये सारा पैसा उसको देकर उसका स्टोर ले लेते हैं। और वैसे भी यार अभी उस स्टोर में हमें और भी ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार वो एक नॉर्मल सा स्टोर है, उसे हमें लग्जरी डीलरशिप में कन्वर्ट करना है, तो काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल जिमी अपने साथ चलने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम कायो पेरिको से जो हमने गाड़ी चुराई थी, जिस गाड़ी का नाम था कैलिबन, वो गाड़ी जिमी कह रहा है कि भाई उसका चलाने का मन है, इसलिए वही लेकर जाने वाला है। तो यार सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया कार है, लास्ट टाइम पंचर हो गई थी, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, अभी फिलहाल इसको रिपेयर करा दिया, गाड़ी फुल ओके है। बाकी मैं तो इस गाड़ी में जाने वाला हूँ सुपर डुपर क्वाड्रा में, क्योंकि यार वापसी हमें पैदल थोड़ी आने वाला है। इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे जिमी को नया वाला शोरूम दिखाने के लिए, और अभी फिलहाल यहाँ पर ये तो अपना गाड़ी में आकर बैठ चुका है। चल भाई पहले तू ही निकाल ले, उसके बाद हम लोग पीछे पीछे आते हैं। तो बिना फिलहाल इसे रास्ता पूरा मालूम है, बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो वो जो गाड़ी है सच्ची में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है चलने में। एक मिनट पहले मैं इसे अनलॉक कर लूं। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग बैठते हैं क्वाड्रा में और जल्दी से इसे लेकर चलते हैं सीधा जिमी के पीछे पीछे। और एक सेकंड, इसका गेट ऑटोमेटिकली लॉक कैसे नहीं हुआ, रुक जाओ अभी फिलहाल पहले हम लोग इसका गेट लॉक करते हैं। और ये गाड़ी आपको पता है ये कितनी ज्यादा फास्ट है, इससे अगर हमें अपने शोरूम जाना है तो भाई बहुत कम टाइम लगेगा, बट इसका जो बूस्टर है ना भाई, उसे इस रोड पर यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और अभी मुझे नहीं मालूम जिमी किस रास्ते से गया, जहां तक मुझे पता है इसी रास्ते से क्या होगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता है। और ये गाड़ी आप लोग भाई देख पा रहे हो कितनी ज्यादा चौड़ी है भाई, मतलब कि दो कार आ जाए इतने में। तो गाइस यार वैसे ना कुछ भी कहो, लेकिन इस गाड़ी को चलाने का मजा ना भाई सबसे अलग है, क्योंकि जब इसका बूस्टर पड़ता है ना तो भाई नेक्स्ट लेवल फील आती है। अभी फिलहाल मेरे को जिमी की गाड़ी यहीं कहीं पर आगे जाती हुई दिखी थी, ओके तो उसने यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ा है और भाई ये तो सीधा रेड लाइट पार कर देता है हमारी तरह ही बिल्कुल, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोग ना पहले इसको ओवरटेक करते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी को भाई एक सेकंड में सीधा 200 किलोमीटर पर आवर टच हो जाती है। मैंने रेस दी नहीं थी, बस बूस्टर यूज कर रहा था, अगर रेस देता तो ये स्पीड कंटिन्यू रहती और भी ज्यादा बढ़ते रहते। फिलहाल उसका घर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुंचने भी वाले हैं। तो गाइस देखो, ये जो अपनी क्वाड्रा है ये बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में यार आप लोग एक बार देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको सिनेमैटिक्स मोड पे दिखाता हूं, अभी फिलहाल चेक करो आप लोग, मतलब और सच्ची में काफी ज्यादा तगड़ी भी लग रही है देखने में। अभी ना फिलहाल हम लोग इसे लेकर अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड के घर पर तो पहुंचने वाले हैं, बट आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक लग गया है। तो जिमी ने यहाँ पर अपनी गाड़ी को लेफ्ट से निकाल के बंदे को ओवरटेक मार दिया, बहुत सही भाई, सीख रहा है ड्राइविंग धीरे धीरे, रेस में जाएगा भी हमारी जगह। और अभी फिलहाल हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है, क्योंकि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड के घर पर। जिमी ने तो सही टाइम पर निकाली, लेकिन मैं रह गया हूँ। सर 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 ठोकना मत, कुछ ज्यादा महंगी कार है, ओके लेट्स गो। तो फिलहाल अभी हम लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से अपनी गाड़ी को गाइस हम लोग यहीं पर खड़ा करते हैं और फटाफट से अभी हम लोग अंदर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपने फ्रेंड के घर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर जिमी भी अपनी कैलिबन रखकर वहीं पर आ गया है और ये शायद से इस टाइम पर उसी को फोन लगाकर परमिशन ले रहा है कि माइकल इस टाइम पर आ चुका है,
बाकी तो यार इसका घर आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, सच्ची में कितना ज्यादा बढ़िया है। ओके पहले से बात कर लेने देते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इसने अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से बात कर लिया है और उसने ना जिमी को अंदर आने की परमिशन नहीं दी। पता नहीं आ रहा ऐसे क्यों है, मुझे तो लग रहा था दोस्त है, बट वो शायद से अपने ऊपर शक करता है कि हम लोग कोई गड़बड़ ना कर दे। बाकी उसने कहा कि वो बालकनी में बैठा हुआ है, आई थिंक इधर से बालकनी का रास्ता नहीं है भाई, इन्होंने इधर कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखी है। एक रूम इधर में खुला हुआ है बट पता नहीं है कौन सा रूम है, इधर की तरफ भी रास्ता जा रहा है। जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चल कर देखते हैं, आई थिंक यही बालकोनी है भाई, कुछ ज्यादा बड़ी बालकोनी बना रखी है इधर इन लोगों ने, क्या ही स्विमिंग पूल इधर मस्त बना हुआ है। ओके भाई क्या नजारे आ रहे हैं यार इसके घर से। अभी फिलहाल वो बैठा हुआ उधर एकदम कोने में सन बाथिंग कर रहा है, लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं उससे बात करने के लिए, और उस टाइम भी भाई हम भी काफी ज्यादा अमीर बनने वाले हैं क्योंकि आप लोग को पता है शोरूम अपना होने वाला है। अभी फिलहाल पहले हम लोग उससे बात कर लेते हैं, ये कॉल पे बात कर रहा है किसी के साथ, फिर हमसे बात करेगा। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड से बात हो गई है, और अभी ना फिलहाल एक छोटी सी नहीं भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि यार आप सभी लोग को याद होगा जब हम लोग कायो पेरिको में उस बड़े से मेंशन से पैसा और गोल्ड चुरा रहे थे ना, तो अपने पास टाइम बहुत कम था क्योंकि धीरे धीरे करके बाहर सिक्योरिटी बढ़े जा रही थी, और अपने पास उतने बैग्स भी नहीं थे, उतने बंदे भी नहीं थे कि इतना सारा पैसा कैरी कर लें। तो जितना हो सका उतना कैश और गोल्ड वहां से मैंने चुराया, बट यार ये कह रहा है कि ये जो तुम चुरा कर लाए हो ना ये कुछ भी नहीं है, वहां से सारा पैसा चुराना था तब जाकर वो $400 मिलियन होता। और यार ये कह रहा है कि ये जो तुम लाए हो ये सिर्फ और सिर्फ $100 मिलियन है, और अगर गाड़ी का भी गिने तो वो मिलाकर $100 मिलियन और हो रहा है, यानी कि इसने हमसे $400 मिलियन मांगे थे और हमने इसे $200 मिलियन ला कर दिए हैं। तो यार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें शोरूम नहीं दे सकता जब तक तुम बाकी $200 मिलियन मुझे लाकर नहीं दोगे। अभी फिलहाल यार देखो उसने पूरा मूड खराब कर दिया, मतलब दोस्त तो है बट यार फिर भी वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई कहाँ $800 मिलियन का शोरूम, ये हमें भाई सिर्फ उसे $400 मिलियन में दे रहा है हम पे विश्वास करके कि हम लोग $400 मिलियन इसे बाद में दे देंगे। बाकी यार अभी मुझे नहीं पता बाकी पैसों का जुगाड़ मैं कहाँ से करूँगा। ये कह रहा है कि गाइज मतलब इसको ना आज लिबर्टी निकलना है सारा पैसा लेकर, और हमने इसे कहा था हम लोग इसका काम कर देंगे बट हम लोग नहीं कर पाए। तो ये कह रहा है कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे ना आज के आज ही सारा पैसा जुगाड़ करके ला के दो। पर अभी फिलहाल ये कह रहा है कि जो तुम्हारी क्वाड्रा है ना जिससे तुम आए हो ये भी यहीं छोड़कर जाना, इसके भी गिन लो $100 मिलियन। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हमें पैदल ही यहाँ से अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि ये जो अपनी सुपर डुपर क्वाड्रा है ये मैंने अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को दे दिया है, अदरवाइज हमें उसे ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा उस शोरूम के लिए। और वैसे भी इस क्वाड्रा से मैं शोरूम तो बना नहीं पाऊंगा लेकिन उस शोरूम से क्वाड्रा जैसी बहुत सारी गाड़ी खरीद लूंगा, क्योंकि वो शोरूम बहुत सही जगह पे है, अगर वहां पर हम लोग अपनी डीलरशिप खोलते हैं तो काफी सारी कार्स वहां से बिक सकती है। फिलहाल पैदल तो मैं नहीं जाऊंगा, एक आज सोच रहा हूँ गाड़ी किसी की उठा ली जाए। सर 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 मैं सुसाइड करने नहीं जा रहा हूँ, दो मिनट गाड़ी रोक दो, फटाफट से बाहर आ जाओ अपने पास क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं। चल भाई जिमी आ जाओ जल्दी से, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर निकलते हैं, उसके टायर के नीचे मैंने उसकी गाड़ी डाल दी है, जल्दी से बैठो। यहाँ पर दोनों डरपोक थे, और ये गंजा यार थोड़ा सा लड़ना चाह रहा, रुक जाओ इसके अकल मेरे को लग रहा है ठिकाने लगानी पड़ेगी, इसके समझ नहीं आ रही है, रुक जाओ एक मिनट रुको। आ बेटा बाहर आ, समझ नहीं आ रही ना तेरे गंजे तेरी, निकल यहाँ से। वो भैंस की आज फुल एकदम कोट पैंट वोट पैंट पहन के आया था, सोच रहा था भाई नए वाले शोरूम में जाएंगे लेकिन अभी इस बंदे ने आते ही मत्था खराब कर दिया, अभी इसके रख रख के बजा दिया। भाई जिमी भी लग रहा थोड़ा बहुत गुस्से में है, लेट्स गो गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चल भाई जल्दी से आके गाड़ी में बैठ, अभी फटाफट से चलते हैं भाई, देखते हैं पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा क्योंकि आज ही वापस जाने वाला है और भाई अपना तो नुकसान हो जाएगा, हमने इसके लिए चोरी कर दी और उसके बदले में कुछ मिला भी नहीं, तो देखते हैं भाई अभी क्या ही जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। वैसे गाइस एक सेकंड, आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग मिलिट्री कर्नल को हॉस्पिटल से लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस तक लेकर गए थे ताकि वहां पर वो छुप कर बिल्कुल सेफ रह सके, क्योंकि इस टाइम ना उसे बहुत ज्यादा खतरा है टेररिस्ट से, अगर वो बाहर रहेगा तो वो कभी भी मारा जा सकता है। लेकिन जब हम लोग सीक्रेट बेस पर पहुंचे थे ना तो हमें ये पता चला कि लेस्टर, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया ये चारों लोग मिलकर किसी बहुत बड़ी चोरी या फिर किसी बहुत बड़ी हाइस्ट का प्लान कर रहे हैं जिसमें इन्होंने हमें पूछा तक नहीं, मतलब कि इसके पीछे पता नहीं क्या रीजन है भाई, कुछ भी हो सकता है, या तो ये हमें स्टोरी में इंक्लूड ही नहीं करना चाहते या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि पैसा ज्यादा डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि हमेशा से क्या होता था जब भी हाइस्ट होती थी तो सबसे ज्यादा पैसा भाई माइकल के पास ही आता था, जिस वजह से क्या पता इन्होंने भाई, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बट अभी ना फिलहाल ये अपने पास एक रास्ता है पैसा इकट्ठा करने का,